हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं एक नया वीडियो में। आज हम अपना दादी घर आए हैं बहुत दिनों के बाद, और इधर खाली खिजूर पेड़ ही दिखिएगा और कुछ पेड़ नहीं। इधर पूरा खिजूर का पेड़ है आगे से लेके पीछे तक, और वहाँ देख सकते हैं नीचे में ताड़ी निकला आ रहा है इसका। इसका जूस को निकलाता है और उससे दारू बनाता है। ये सब हम ही लगा जो था रोकते थे, अभी जहाँ यहाँ पर नहाने आते थे, ये कुआँ में नहाने आते थे हम लोग। देखते हैं पानी है कि नहीं इसमें, साफ करते थे। देख सकते हैं दोस्तों, ये है पूरा ताड़ी, ताड़ी बोलते हैं, खिजूर का पेड़ है ये चारों तरफ। इधर बगीचा है खिजूर का दोस्तों, वो जो है उधर घर सब दिख रहा है, उधर उड़ीसा है, और वो साइड है इसका अपोजिट साइड में है छत्तीसगढ़। वहाँ पर ताड़ी से हम उतरा रहे हैं, ड्रम ले लेके जा रहे हैं दोस्तों। अभी हम लोग उड़ीसा बॉर्डर पहुँच गए हैं। अभी पुल है, पुल का उस पर उड़ीसा झारखंड में है। ये पुल पार होंगे उसके बाद उधर उड़ीसा हो जाएगा, ये उड़ीसा है। तो दोस्तों ये है सुंदरगढ़ वाला रास्ता, हम लोग जा रहे हैं सुंदरगढ़। अब यहाँ से सुंदरगढ़ 35 किलोमीटर है, इतना दूर है दोस्तों। लोग थोड़ा देर इधर रुके हैं मूत्र विसर्जन करने के लिए। तो महुआ है, महुआ का पेड़। अब यहाँ से हाईवे, नेशनल हाईवे है, ये संबलपुर चल जाता है ना, ये सुंदरगढ़ हो के ना संबलपुर जाता है। अब यहाँ से नेशनल हाईवे, यहाँ से सुंदरगढ़ है 8 किलोमीटर आगे है झारसुगड़ा। ट्रेन लाइन नहीं दिख रहा है, किधर से जाते हैं सुंदरगढ़ से थोड़ा सा आगे झारसुगड़ा। अब यहाँ से सुंदरगढ़ वेलकम का बॉर्डर है ये। अब यहाँ सुंदरगढ़ सिटी एंट्री, सुंदरगढ़ हमको तो बहुत बड़ा लग रहा है सुंदरगढ़ जिला। हाँ, लेकिन रौरकेला लगता है जिला जैसा। नहीं, जिला नहीं है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग आए हैं मंगनी में, मेरा भगना का मंगनी हो रहा है, स्वागत कर रहा है आप। स्वागत नहीं करोगे हमारा। बड़ी भयंकर धूप है बाबा रौरकेला में, इधर आयुर्वेद है बगल में, बहुत जोरदार इधर आम फला है इस साइड। दोस्तों हम लोग को स्वागत किया और ये बुके दिया दोस्तों। अभी हम लोग मेरा भांजा, हाँ तो मेरा भांजा का ही मंगनी में आए हैं, अभी बैठे हैं नाश्ता पानी खा रहे हैं। नाश्ता पानी मिला कहाँ है, कहाँ मिला इधर देख के बोलो। नाश्ता तो मिला नहीं है, पता नहीं कब मिलेगा। दूल्हा बाबू इधर ये रहा। दोस्तों हम लोग को मिल गया नाश्ता, अब पेट पूजा करते हैं। तो दोस्तों ये क्या हॉल है पता नहीं, उड़िया में सब लिखा हुआ है, हमको तो पता ही नहीं चल रहा। तो अभी हम लोग घूम के आते हैं, तो हम लोग ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, आगे से कहीं होगा यू टर्न मारेंगे इधर। अभी हम लोग और वापस जा रहे हैं सुंदरगढ़, रिंग रोड में आ गए थे बाईपास वाला रोड में, ये है नेशनल हाईवे। तो दोस्तों अभी हम लोग लस्सी पी रहे हैं, चलिए दोस्तों अब चलते हैं लस्सी पी लिए, बहुत मजा आया, दिल को सुकून मिला। और अभी वही गर्मी में बैठना है, बहुत ज़्यादा है जी, हद से ज़्यादा। हम घर से निकलते नहीं ना, इसलिए नहीं पता चलता है गर्मी। रहे हैं यहाँ पर नौजवान युवक और युवतियाँ दो लाइन में खड़े हो चुके हैं। वही समय हम लोग उन्हें पूछेंगे ये लोग कौन हैं और क्यों कर खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले लड़कों की तरफ बीच वाले से मैं पूछना चाहूँगा, बाबू तुम्हारा नाम? तो नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। प्रदीप, हाँ प्रदीप करकट्टा, तुम्हारा मैया क्या नाम है? इधर सुने क्या कि नहीं, नहीं, नहीं। सुने नहीं दिया। और वो तो बोल चुके हैं बहिरा है पहले से, एक मैया और एक बार जोर से।
अभी तेरे बागे हाँ से का क्या होगा उसको क्या क्या नहीं होगा। अच्छा बाबू कभी कलकत्ता यहाँ पर खड़े हो बाबू का जैसे आकर क्यों कर खड़े हो इसके साथ दिनों दिन करते थे पानी क्यों करते थे पहले पसंद पसंद होने के बाद लोटा पानी होते हैं। मैंने जब किसी को शादी करने के लिए इच्छा होता है तो उसके पहले हमारी जो परंपरा है लोटा पानी का उसको पूरा करने के लोटा पानी में खड़े होते हैं। तो दिनों दिन एक जो तुम्हारे सामने खड़ी है उसको हृदय से पसंद करता है लेकिन तन मन से और घर वाले पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं सब लोग करते हैं कोई दबाव नहीं है। तो जीवन भर के लिए कि जीवन भर के लिए तुम्हारे सुन चुकी अभी बोले तुमको बहुत पसंद करते हैं तो तुम्हारी क्या राय है पसंद है तो कितना पसंद है बहुत ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा एक पाव आधा किलो अरे बहुत ज्यादा रही सकी शादी तो अभी नहीं होगा। अच्छा ठीक है दोनों तरफ से पसंद है इसमें किसी का कोई दखल नहीं है तो खुद अपने मन से पसंद किए घर वाले पसंद घर वाले जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं तो उनके पसंद में पसंद हुआ वही लोग ठीक किए ना अपने देखा देखी होकर पर मन पसंद किए घर वाले ठीक है बहुत अच्छी बात है। तो सुन लिए आप लोग दोनों पसंद करते हैं एक दूसरे को और यहाँ पर हम लोग का लोटा पानी की जो दस्तूर है उसको पूरा करने के लिए खड़े हैं। खाली में जो लोटा का पानी है उसको उठा कर हमने खड़ा कभी करके तरफ को पकड़ा है उसको पकड़ा के फिर अपनी जगह में वापस तीन बजे तीन बजे दिनों दिन इसका जो आप लोग पसंद किया है बोहरिया बनाने के लिए इसके हाथ में जो खाली में लोटा है उसको उतारने के लिए आप लोग आइए इस बोझा को हल्का करने के लिए यहाँ पर आइए। क्योंकि जगह नहीं है इसलिए इसी तरफ सिफाई करेंगे एक दो तीन हम लोग जा रहे हैं छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहुत घूमी है ये है बाईपास रास्ता और दोस्तों अभी शाम हो गया है और ये जो अभी हम लोग उड़ीसा में हैं और ये पुल डिवाइड किया है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को अभी एंट्री करेंगे अभी ना हम लोग छत्तीसगढ़ में हैं ना झारखंड उड़ीसा में अभी इधर हो गए अब छत्तीसगढ़ ये वाला जंगल छत्तीसगढ़ी वाला जंगल है। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए गुनकुरी अभी रात हो गया है और कल का सफ़र कल करेंगे अभी आराम करते हैं।